असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से हैं कि वो भारत सरकार की तरफ से जो जो योजनाएं चल रही हैं हमारे आर्टिजन्स के लिए, प्लीज मंच पर आए और हम लोगों को उसके बारे में बताएं। मिस्टर सीवी सिंह जी। क्राफ्ट काउंसिल यूपी के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष, आज यहाँ पहुँचते पहुँचते जब निगाह ऑडियंस की तरफ पड़ती है तो हमारे बीच में भारत द्वारा सम्मानित सुश्री रूना बनर्जी जो यहाँ पद्मश्री से सम्मानित हैं और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम लोग तो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। नवाब वीर जाफर अब्दुल्ला साहब आ गए तो आपको सारा पास्ट मिल जाएगा कि कैसे चिकन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे वो मुर्शिदाबाद गया, फिर दिल्ली आया। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि नवाब साहब ने बताया कि नहीं बताया। नूरजहाँ से लेकर के हमारे चिकन का भूत कैसा था जो आज का विषय है। आज मजूमदार साहब जैसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और सारे लोग सिंह साहब हैं जो पुलिस सेवा के बड़े अधिकारी हैं। हमारा दिल ये इतनी बड़ी डिग्निटरीज को इस ऑडियंस में देख के गदगद हो जाता है कि शायद इस मकसद से डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने आज ये मौका क्राफ्ट काउंसिल के माध्यम से हम सबको यहाँ एकत्रित करने के लिए दिया है। उसका एक विस्तृत रूपरेखा बनेगी और उस रूपरेखा के माध्यम से हमारे जो अभी मजूमदार साहब ने बड़ी दुखती हुई रंग पर हाथ फेरा है, अपने दिल की उनकी एक ख्वाहिश है कि कारीगरों की जो चिकन में है और चिकन में ही काहे को, क्योंकि ये चिकन पर है इसलिए मजूमदार साहब ने चिकन के लिए कहा। हमारे तमाम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन पूरे देश में हैं और उन सब के लिए हमारे पुराने हमारे विभाग से रिटायर हो चुके रीजनल डायरेक्टर नई दिल्ली अस्थाना साहब भी हैं, हमारे यूपी और उत्तराखंड के रीजनल डायरेक्टर आजकल देख रहे हैं माननीय एस एस ग्वाल साहब हैं। तो ये सब लोग यहाँ क्राफ्ट काउंसिल के बुलाने पर आ गए तो शायद हम जिस मकसद से सबको बुलाए हैं उसमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में हमारा रास्ता सुगम दिखता है। जहाँ तक मजूमदार साहब ने कहा, चूंकि मैं विभाग से हूँ तो उत्कंठा हो जाती है, आपने कहा कि साहब इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनका टोटल हेल्थ चेकअप, इनकी आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है। यहाँ रेहाना बेगम नहीं है, उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था, उनको शिल्प गुरु भी सबसे पहले मिला जब भारत सरकार ने ये स्कीम लगाई। और यही नहीं, रेहाना बेगम की तीनों बहनों को राष्ट्रपति अवार्ड स्वयं जहाँ रेहाना बेगम और उनकी छोटी बहन उनको मिला, उनके वाले साहब को जब 1965 में भारत सरकार ने राष्ट्रपति अवार्ड की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन विभिन्न क्राफ्ट्स में बना डालते हैं तो उनका उत्साह, उनका जोश, उनको आगे लाने के लिए काम किया जाए तो उनको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने, उन्हें पुरस्कार देने के लिए ये योजना 1965 में बनी थी। और तब रेहाना बेगम के वाले साहब थे, उनको सबसे पहले लखनऊ की धरती पर अवार्ड मिला था। अयूब खान साहब नहीं हैं, ये लोग कल शायद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, अभी आप लोगों ने मैडम शिप्रानंद को सुना, शिप्रा जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। अपने दो इंस्टीट्यूट के माध्यम से लखनऊ की धरती पर, जब ये इंस्टीट्यूट नहीं थे भारत में तब हमारा केवल एक डिज़ाइन के लिए इंस्टीट्यूट था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो क्वालिटी टाउन में अहमदाबाद में है, वहाँ लोग पढ़ के ब्लैक कैट डिग्री के लिए लंदन जाया करते थे डिज़ाइन की फील्ड में। और आज तो खुशी की बात है, न जाने कितने लोग, शिप्रा जी ने कोशिश कर कर के न
लखनऊ की धरती पर उनको पढ़ा के, उनको कोच करके, उनको आगे बढ़ा के तमाम निफ्ट के बच्चों को लाके लखनऊ में रोपित कर दिया है कि कहीं किसी को भी डिजाइन की जरूरत पड़े तो उनसे कारीगर, जैसे कि अभी आपने कहा था आर्ट फॉर्म के लिए, इनोवेशन के लिए, दिल के लिए, तो जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है आर्ट तो है ही है। हमारे दिल में कोई चीज़ हमने कंसीव की कि ये बढ़िया डिज़ाइन बनाए तो ये करेंगे। हमारे त्यौहार होते हैं, हमारी शादियां होती हैं, हमारे और तमाम ऐसे अवसर होते हैं जिनको मनाने के लिए हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। हम रोली बनाते हैं दरवाजे पे अपने मेहमान को, भगवान को स्वागत के लिए। एक हमारे रीजनल डायरेक्टर होते थे हंडू साहब, तो उन्होंने कहा कि साहब जाड़े में जब 25 दिसंबर का होता था तो श्रीनगर में कड़कड़ाती ठंड में भी हम अपने भगवान को खाना के ना खिलाने के लिए अपने घर में बनाते हैं और छत पर रख आते हैं कि भगवान रात में आएंगे वहाँ खा लेंगे। तो ऐसे अवसरों के लिए भी जो चीज़ें बनाते हैं उसी को रेप्लिका बना देते हैं और वो क्राफ्ट हो जाता है। भगवान ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन एक क्रॉस पे हुआ था, वो क्रॉस हमने बना दिया तो वही हमारा क्राफ्ट हो जाता है। मधुबनी में तमाम सारे लोगों को अवार्ड मिला हुआ है। जापान के बच्चे मधुबनी पढ़ने आते हैं, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर मधुबनी के होते थे उनको जापान बुलाया जाता था कि साहब आप मधुबनी पेंटिंग सिखाओ। मधुबनी पेंटिंग कुछ नहीं, खाली वहाँ के महिलाएं ललित नारायण मिश्रा जी जब रेल मंत्री होते थे, राजधानी गाड़ी चली तो उनके डिब्बे भी लगाए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट के सारे चीफ सेक्रेटरीज को कहा कि साहब आप मधुबनी की पेंटिंग बिकवा दीजिए ताकि इसमें काम करने वाले लोगों को रोटी मिल जाए। तो मैं शायद 85-89 में मुंबई में था उस समय, वहाँ के लोग आए, हमारे विभाग के लोग भी, वहाँ नुमाइश लगाई गई जहांगीर आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की, सबको बुलाया गया और सुनील दत्त से लेके तमाम फिल्मी हस्तियों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। अभी थोड़े दिन पहले ओनर क्रिएशन क्राफ्ट एसोसिएशन में मैं नवाब साहब को देख रहा था, जफर नबी साहब यहाँ नहीं है, मुजफ्फर अली ने चिकन पे ऐसी लखनऊ की धरती पे, चाहे वो मलियाबाद कर्पूरी हो, चाहे लखनऊ की तमाम इमारतें हों, चाहे लखनऊ में गलियों में बड़ी गंदी बस्तियों में काम करने वाले लोग हों, चिकन बनाने में क्या दिक्कत होती है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर भी अपनी कला को बनाए रखने के लिए। रहाना बेगम का मैंने नाम लिया था, जब वो 55 साल की हो गई थी तो कहती थी साहब अब दिखाई नहीं देता, जब सूरज की रोशनी 12 बजता है तो 12 से 2 बजे तक मैं कर लेती हूँ। रेहाना बेगम और अयूब खान, इनको सिर्फ गुरु मिला जो नेशनल अवार्ड से बड़ा अवार्ड है जिनको 6 लाख रुपए, बाकी तमाम प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। इन लोगों के बारे में खूबी जो शायद नवाब साहब ने भी पसंद नहीं किया होगा मैं बताऊँगा कि ये चिकन 3 तरह की होती है। जो आजकल हम बड़े मोहल्ले हैं पूरी दुनिया में, हमारी पद्मश्री सुश्री रूना बनर्जी जी चिकन को बनवा के लोगों को जोड़ के हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जगह जगह नुमाइश ले जाके उन लोगों को ले जा करके प्रमोट करती हैं। शायद इतनी लगनशील चिकन के कारीगरों की ये भाग्य हैं जो लखनऊ में है या लखनऊ में इनसे जुड़े हुए हैं। हमने अपने को इनसे जोड़ के, अभी मजुमदार साहब ने कहा था कि साहब छोटी छोटी हेल्थ के बारे में बता दूं कि LIC से जनश्री बीमा योजना है जिनमें कक्षा 9 से कक्षा 12 अगर वो 40 रुपये लगता था वो भी माफ़ कर दिया है। भारत सरकार ने सारा पैसा LIC को दे रखा है। जितने हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन, खाली 8 लाख का हमने आज से 4 साल पहले करा था, जितने हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, भारत सरकार ने उनको पहचान पत्र दिया है, उनका सबका बीमा बिना एक को नया पैसा दिए, चाहे बीमा हो गया रिन्यूअल कराना है चाहे नहीं, बिना एक को नया पैसा दिए उनका बीमा करा दीजिए LIC में। और उनके बच्चों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने के लिए 100 रुपया महीना वजीफा मिलता है, कैजुअलिटी में 1 लाख रुपये मिलते हैं, कोई और तमाम दिक्कतें हैं उसमें भी 37,500 और 75,000 मिलता है। इसी तरह से राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार ने शुरू की जिसमें 15,000 रुपये
एक शिल्पी और उसके परिवार के शिल्पी को मिला के 4 सदस्यों को साल में दिया जाता है। उसमें आँख की टेस्टिंग से लेके इलाज से लेकर के दांत के इलाज से लेकर के अन्य बीमारियों, महिलाओं को बच्चे पैदा हों, इन सब के लिए ये इलाज की सुविधा है। और कैशलेस आईपीडी ओपीडी इस तरह के अस्पताल हैं, अस्पतालों की लिस्ट है। अभी कल ही मैं देख रहा था कि बाराबंकी कार्यालय ने अखबार में दिया था, सहारा में आया था, और दैनिक जागरण वालों ने मुझसे पूछा था आपने हमारे अखबार को क्यों नहीं दिया, जबकि आज आप बाराबंकी दफ्तर को देख रहे हैं। मैंने कहा सर मैं लखनऊ बैठता हूँ, ड्यूटी तो मुझे बाराबंकी की, सहारनपुर की और देहरादून की भी कमिश्नर दी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार कई सारे काम हो जाते हैं, मैं देख नहीं पाता। मजुमदार साहब ने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए थोड़ी सेविंग करें। ये 2001 में बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय विकास योजना भारत सरकार ने आर्टिजन्स के लिए लागू की। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं पूरे देश में इस योजना को चला रही हैं। उसमें यही है कि हर महीने 10 या 10 से 20 लोगों तक के स्वयं सहायता समूह बना लें। स्वयं सहायता समूह बना के हर महीने अपने में से ही, मान लिया वो 15 लोगों का समूह है तो एक को अध्यक्ष, एक को सचिव, एक को कोषाध्यक्ष, 3 पदाधिकारी चुन लें। 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये महीने बचा के उनके नाम से, समूह के नाम से एक खाता खोल दें। खाते में हर महीने और उसकी कार्रवाई रजिस्टर, एक रजिस्टर बना लें लिखा जाए, और उस कार्रवाई रजिस्टर में अपने सारी दिक्कतें, कभी बिटिया की शादी की बात हो, कभी किताब खरीदना हुआ, कभी कोई बीमार हुआ, तो ये सारी बातें अपने सुख दुख एक एक घर में, सारे 15 समूह हैं तो 15 लोगों के घर में बारी बारी से एक महीने में एक परिवार में मीटिंग करके और उनकी दिक्कतें भी नोट करें, और साथ ही उस महीने की बचत सब लोग वहीं जमा कर दें, वो बैंक में जमा हो जाया करें। आपने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम देखा होगा, सुना होगा, थोड़े दिन पहले काफी चर्चा में था, पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा के साथ बांग्लादेश की सरकार ने उनको निकाल दिया है, उन्होंने ही बांग्लादेश बैंक बनाया था, उन्हीं की नकल करके पूरी दुनिया ने, यूएनओ ने ये लिया था कि ये छोटी छोटी बचत के लिए, चाहे जिस एक्टिविटी में हम लोग हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, चाहे कोई मजदूरी करता हो, चाहे खेत जोतता हो, किसान की मजदूरी करता हो, भैंस चराता हो, दूध बेचता हो, तेल बेचता हो, मुर्गा पालता हो, अंडा बेचता हो, सब्जी बेचता हो, सब लोग अपना स्वयं सहायता समूह भी बना के और छोटी छोटी बचत करके समूह के खाते में जमा करें। हम लोग एडवांस जरूर हो गए, लेकिन शायद बगल के घर में हम जाना पसंद नहीं करते हैं अगर वो लोग बुलाए ना, या हम अपना वो नहीं लेते, थोड़ी दूरी आ गई है हमारे परिवारों में। और अगर हम समूह बनाएंगे, लोगों के घरों में मीटिंग करेंगे, लोगों के बच्चों की पढ़ाई, उनकी दिक्कतें, उनकी बीमारी, उनकी जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे, तो इससे जुड़ाव आएगा। और जब हम समूह बना लेते हैं 15 लोगों की, 15 आर्टिजन्स की, जिनकी इकोनॉमिक हालत मिलती जुलती है, तो उस समूह से हमारी ताकत 15 गुनी बढ़, बाकी कामों के अलावा 15 गुनी बढ़ जाती है। हमें अगर राशन कार्ड बनवाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, वहां से हमें सरकार से बस चलवानी है, तब भी वो 15 लोग इकट्ठा जाएंगे तो सप्लाई अफसर दफ्तर छोड़ के भाग जाएगा कि साहब इनका राशन कार्ड हमको जल्दी से बना के देना होगा। तो मजुमदार साहब ने ये भी चाहा था कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो अगर बचत हम करेंगे तो उस बचत को हम उनके वेलफेयर में लगाएंगे। अगर हमारी कमाई अच्छी होगी, हमें हमेशा काम होगा। अभी टंडन साहब कह रहे थे कि मनरेगा के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं उसी समय बाहर से आया था, मैं सुन नहीं पाया था कि मनरेगा के बारे में। और आज हैंडीक्राफ्ट में, चिकन में कुछ लोग, एक साहब ने आज से 10 साल पहले क्लार्क होटल में एक मीटिंग थी तो कहा था कि साहब 20 ही रुपये मिलते हैं, वैसे तो जरी में जो कारीगर हैं वो 80 रुपये एक नफरी पाते हैं, मतलब जरी के अड्डे पर अगर काम किया तो एक दिन की मजदूरी 80 रुपये पाते हैं। ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और एक लड़का तो आता है, उसकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है, जरा जरा सा दिखता है, और वो 20 रुपये शाम को ले जाता है तो 1 रुपये का नमक लेता है, 2 रुपये का सरसों तेल लेता है, 8 आने का आलू लेता है, थोड़ा सा आटा ले जाता है, तो ये होता है कि आज उसके यहाँ सब्जी और रोटी पक जाएगी। तो ऐसे भी हालात हमारे लखनऊ में हैं, और इन्हीं की बेहतरी के लिए शायद मजुमदार साहब की भावनाओं ने इनको कुरेदा हो, और इन्होंने रिटायर होने के बाद अपना लक्ष्य बना लिया कि ऐसे लोगों के लिए हम काम करें।
हैंडीक्राफ्ट की स्कीमें हैं भारत सरकार द्वारा जो अभी तक बनाई गई हैं कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं लोग, मुख्य रूप से हैंडीक्राफ्ट जैसे सहारनपुर में लकड़ी का कार्विंग का काम होता है, मुरादाबाद में ब्रास हार्डवेयर पीतल का काम होता है, जरी का काम हमारे बनारस में होता है, बनारस में इस जरी के अलावा बनारसी साड़ियाँ बहुत बनती हैं उसमें जरी का काम होता है, जितना पूरे देश में हमारा सूरत शहर जो गुजरात का है जरी बनाता है उसका 3/4 खपत खाली यूपी में होता है, चाहे वो बनारसी साड़ियाँ हों या जरी का काम लखनऊ का हो, बरेली का हो, रामपुर का हो, आगरा का हो और अलग अलग जगहों का, भोपाल का हो, अलग अलग जगहों में जरी का खूब काम होता है। मऊ मुबारकपुर हो जहाँ बनारसी जैसी साड़ियाँ खूब बनती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं रायबरेली गया था 2004 में, तो ये शिप्रानंद में विशाल गई थी, वहाँ के डिजाइन के बारे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और राहुल गांधी 10 दिसंबर 2004 को एक प्रोग्राम था, तो वहाँ साड़ी वाला बनारस से ला करके कपड़े डिजाइन और सारी चीजें वहाँ भी साड़ी बनाता था और उसको वो लोग प्रगति मैदान में भी ले गए जहाँ हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इस तरह के इवेंट्स आयोजित होते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट की स्कीमें हैं कि पहले इन कारीगरों को पता किया जाए, हमारे 62 दफ्तर हैं पूरे भारत में, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, 1 रीजनल ऑफिसेज के रीजनल डायरेक्टर सुभाष साहब हमारे बीच में हैं जो यूपी उत्तराखंड देखते हैं, बम्बई दिल्ली कलकत्ता मद्रास गुवाहाटी और लखनऊ ये 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, इन्हीं के तहत 62 दफ्तर इस समय पूरे भारत में काम कर रहे हैं जिसमें 7 हमारे उत्तर प्रदेश में ऑफिसेज हैं, 2 उत्तराखंड में देहरादून और अल्मोड़ा है, यूपी में सहारनपुर आगरा बनारस बाराबंकी बरेली इलाहाबाद में कार्यालय हैं। तो इन कार्यालयों के माध्यम से शिल्पियों को हम ट्रेस करें, उनको पहचान पत्र इशू करें। थोड़े दिन पहले आज से 5 साल हो गया होगा, क्लार्क होटल में एक मीटिंग थी किसी और की, तो हमारे टंडन साहब जो लखनऊ चिकन एसोसिएशन से यहीं से आए हैं, इन्होंने कहा कि साहब आपने किसी और संस्था को राज्य सरकार की दे दिया हाई कार्ड बनाने के लिए, वो 500 रुपया घूस मांगेगा। तो वहाँ कोई जवाब नहीं दे पाया है इनकी बात का, वहाँ के कमिश्नर साहब ने यही कहा था कि साहब हमारे कार्ड की कीमत 500 रुपये हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि ये जवाब मुझे पसंद नहीं आया था क्योंकि पहचान पत्र बनाने के लिए 2 फोटोग्राफ चाहिए, एक फॉर्म फ्री में मिलता है, 2 फोटोग्राफ चाहिए, राशन कार्ड या कोई पता चाहिए, और ये हमारा बाराबंकी कार्यालय, लखनऊ कार्यालय और इस तरह से 62 कार्यालय हैं ये तो बनाते ही हैं, अगर ये कार्यालय में कंप्यूटर की जानकारी पुराने कर्मचारियों में जो मेरे तरह से हैं वो नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर पर, तो उसे हम दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कंप्यूटर कंपनी को, वो कार्ड बन के आ जाते हैं, लोगों को बांट दिए जाते हैं। कार्ड बनने के बाद पूरे देश में 70-75 से ज़्यादा गांधी शिल्प बाजार लगते हैं, 6 सोर्सिंग शो लगते हैं, 1 सोर्सिंग शो कानपुर में अभी चल रहा है और वो 25 तारीख को ख़त्म होगा ब्रजेश रूप पार्क में, जिसमें 200 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 35 लाख रुपया उस संस्था को लगाने वाले को अनुदान देते हैं, इसी तरह से 13.5 लाख रुपये अनुदान मिलता है गांधी शिल्प बाजार के लिए, जैसे यहाँ लखनऊ महोत्सव लगता है, बनारस में गंगा महोत्सव लगता है, ताज महोत्सव इसमें 25 मार्च तक चल रहा है, हर साल तो ये 18 से 27 फरवरी तक लगता है, लेकिन ताज महोत्सव इस साल इलेक्शन के नाते टल गया था तो 16 से 25 तक आगरा में चल रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स में स्टॉल बन जाएं, उनकी पब्लिसिटी हो जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, उनको अगर वो रहना चाहें तो वहीं व्यवस्था कर दी जाए, पोस्ट एजेंसी को पूरे 13.5 लाख रुपये दिए जाते हैं कि ये बना के पब्लिसिटी करके कारीगर आए बेच के अपना सामान अपने घर ले जाएं, ताकि वो इसी पेशे में बने रहें और जो काम करते हैं, जैसे अभी आप लोगों को नवाब साहब ने बताया होगा कि ये इमोशन है, शिप्रा जी ने बताया है कि ये इमोशन है, हमारी भावनाएं एकदम लगन के साथ, जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह से हमारा शिल्पी जब सुबह 4 बजे भोर में, जो सबसे अच्छा समय माना जाता है अपने अपने घर में, हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे जल्दी जग जाएं और सुबह की पढ़ाई करेंगे तो उनको ज़्यादा याद हो जाएगा, वो इम्तिहान में ज़्यादा नंबर पाएंगे, इसी तरह से भगवान की इबादत, अल्लाह की इबादत, भगवान की पूजा जो हम आप अपने अपने घरों में करते हैं सवेरे उठ के नहा धो के, वो उसी तरह से हमारा शिल्पकार होता है कि बड़ी लगन के साथ चीज़ें बनाता है
और बना के इस कदर पेश करता है कि इसका इतना नायाब बने कि इसका कोई और कंपैरिजन ना कर पाए। दिल्ली में हमारे देश की तमाम जो बाहर की मीटिंगें होती हैं, ये होता है कि साहब आबादी में तो चीन हमसे ज़्यादा है, लेकिन चीन एक काम बड़ा बढ़िया कर रहा है कि वो जैसे ही कोई चीज़ हिंदुस्तान बनती है उसका नकल करके और मशीन से बना के उतार देता है बाजार में, हमारे कारीगर भूखों मरते हैं। चिकनकारी भी बात चल रही है जी, चिकनकारी भी चीन कर रहा है। मैडम कह रही कि चिकनकारी चीन कर रहा है, मैडम कह रही चिकनकारी भी चीन कर रहा है, लेकिन जो मशीनों से चिकनकारी चीन कर रहा है उसमें कुछ टांके ऐसे हैं। अभी शिप्रा जी ने चना पत्ती, धनिया पत्ती, मुर्री, बखिया, जाली, कील, कंगन, तेची, शेडो, ये सारी बातें की होंगी। नवाब साहब ने आपको 36 टांके बताए होंगे, लेकिन ये सारे टाके चीन मशीन से कभी नहीं बना सकता। क्या कर रहा है चीन? बखिया कर रहा है मैडम, कोली कर रही है। क्योंकि मेरी बेटी ने टी शर्ट पहनी थी अमेरिका से, $100 की, $100 की टी शर्ट उसने कनाडा में खरीदी, चाइना, मेड इन चाइना, $100 की मेड इन चाइना खरीदी, मैडम कोली कह रही है। अभी थोड़े देर पहले जयंत कृष्णा साहब जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के हैं, उन्होंने ये बताया था कि साहब वो 5,000 में एक कुर्ती जो जीन के ऊपर पहनते हैं उसकी खरीदी थी, और वो देख के लगता था कि हिंदुस्तान में ही बना होगा, लेकिन चूंकि विदेश में देखा और इतनी कीमत है, और हमारा कारीगर 100 रुपये भी एक दिन की मजदूरी नहीं पाता जो चिकन में लगा हुआ है, तो ये थोड़ा दुख होता है। तो मैं शायद रास्ते से भटक गया था कि स्कीम्स हैं, एक तो पहचान पत्र देना, गांधी सिल्क बाजार, क्राफ्ट बाजार, सोर्सिंग शो लगाना, जिसमें कि शिल्पी जाए अपना बेच के लाए अपना काम करे। शिल्पियों के लिए गुरु शिष्य परंपरा में ये चीज़ें ऐसी हैं कि आज हमारा इंटरनेट, कंप्यूटर, साइंस बहुत डेवलप कर गई है, लेकिन हमारे क्राफ्ट की चीज़ें माँ बेटी सिखाती है, बाप बेटे सिखाता है, उस्ताद शागिर्द को सिखाता है, गुरु अपना शिष्य। गुरु शिष्य परंपरा में जितने लोग नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड पाए।